हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बहुत बहुत मेरे चैनल पे। आज आपको पिछली वीडियो में आपको हमने दिखाया था इसकी कटिंग करना, हमने कुर्ते पजामे की। आज इसकी हम फुल आपको स्टिचिंग करना सिखाएंगे। ये देखिए, हमने आपको दिखाया था पहले, हमने गले की कटिंग हमने पूरी कटिंग कर चुके थे। आज हम इसकी कुर्ता आगे की पट्टी का सिखाएंगे। आगे की यहाँ से हमने गले से हमने नापना है। ये देखिए, आपको दिखा देते हैं, ये गला है इसका। पहले हम फ्रंट पार्ट निकाल लेते हैं। बैक को हम साइड में कर दिया है, आपको भी इजी रहेगा। ये देखिए, आपको ये गला की कटिंग दिख रही है आपको। अब हम यहां से आपको अपने स्टार्ट करना है, निशान लगाना है। छह इंच पे हमने आपको यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखिए, यहां से आपको दिख रहा होगा, छह इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखिए, छह इंच पे हमारा ये निशान लगा दिया हमने। प्रेस के थ्रू हमने यहाँ पे इसको क्रीच बिठा ली थी इसकी, ताकि हमारी सेंटर पॉइंट हमें पता लग सके। अब हम इसको, ये देखिए, आपको सेंटर पॉइंट दिख रहा होगा, आपको क्रीच से ही दिख रहा होगा। यहां से अब हम कट कर देंगे यहां तक। ये हमने यहां से ऐसे कट कर देते हैं। ये आपका बैंड गला नहीं होगा, ना कुर्ता वो होगा आपका कॉलर पट्टी। ये सिंपल जो होता है गर्मियों के मतलब का बच्चों के लिए, वो उस टाइप का गला है आपका। यहाँ से आपको हल्के ऐसे तिरछे से लगाने कट। ये देखिए, आपको ये दिख रहे होंगे, ये देख सकते हैं। हमने इधर भी कट लगा दिया, इधर भी कट लगा दिया, ताकि आपकी सिलाई इधर उधर ना जाए। अब इसके हम काटते हैं कि पट्टी लगाने का तरीका बताते हैं आपको। ये हमारा फ्रंट पार्ट आ गया। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये हमने कटिंग कर दिया था और यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया था, सेंटर पॉइंट। ये लाइंस आपको दिख रही होगी, ये सेंटर पॉइंट है। अब हम इसकी पट्टी करना आपको बताएंगे, पट्टी कैसे करनी है। ये देखिए दोस्तों, एक डेढ़ इंच हमने कटिंग करनी है, यहां से डेढ़ इंच होगी हमारी। ये देखिए, यहां से हमने डेढ़ इंच पे रखना है और यहां से हमें काटना है सात इंच पे। ये हमारा फालतू है, हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम ऐसे निशान लगा देते हैं। पट्टी हमारी जो हमने वहां पे कटिंग करी थी, वो हमने आपको दिखाई थी, आपको छह इंच पे थी, और ये हमने कटिंग करना है एक इंच फालतू पे, ठीक है। और ये ऊपर की जो पट्टी होती है, ऊपर आप पेस्टिंग लगा सकते हैं यहाँ पे। ये आप करनी है एक इंच पे कटिंग, जो हमारे ऊपर आती है। इसको आपने जो नीचे कपड़ा लेंगे, वो ढाई इंची कपड़ा होना चाहिए। ये लेंथ हमारी ढाई इंची होनी चाहिए और लेंथ हमारी सेवन इंची होनी चाहिए, जितनी ये है हमारी काटिंग। ये चौड़ाई हमारी आपको बताई थी ढाई इंच, और ये जो अंदर जो हमने पेस्टिंग लगाई है, वो सिर्फ एक इंच की होनी चाहिए, ठीक है। यहां से आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है आपको। चाहे आप प्रेस से कर ले ऐसे फोल्ड, चाहे आप ऐसे कर ले हाथ से, इसको आप पूरा ऐसे फोल्ड कर दो। ये दिख रहा है आपको, ये अंदर ऐसे मुड़ जाएगा। ये इतना हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है, वो हमारी स्टिचिंग में आएगा। वो आपको बताएंगे किस तरीके से आएगा इसका भी। ये देखिए, सात इंच का जो हमने बताया था, वो हमारा एक्स्ट्रा होगा। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक्स्ट्रा हमने रखा है हमने और क्यों रखा है। और जो ये रखा था हमने डेढ़ इंच की पट्टी, हमने इसको आपने हल्की हल्की यहां से साइडों से मोड़नी है। ये देखिए, और यहां से हल्की हल्की मोड़नी है, दोनों साइड आपको ऐसे से फोल्ड करनी है। ऐसे फोल्ड करके ही इसको ऐसे पट्टी बना लीजिए आप, बेशक आयरन कर ले, बेशक प्रेस वर्स करके इसको इजीली। देखिए, ऐसे हमने पट्टी बनानी है इसकी, आपको क्लियर दिख रही होगी। ये देखिए, इस तरीके से हमारी पट्टी बन जाएगी। ऐसी हमने पूरी तैयार कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों, हमने
इसको तैयार कर ली है। ये अंदर से आपको जैसे बताया था हमने, फोल्ड करके इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया। इसका आपको एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको, जो आपको भी बताई नहीं थी मैंने। इसको ऐसे फोल्ड कर लेना पहले, फिर इसको हल्का हल्का ऐसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करना है। लेकिन इसमें से एक और चीज करनी है, हमने 7 इंच पे ली थी पट्टी, ये देखिए 7 इंच पे हमने ली थी ये पट्टी व्हाइट वाली। हमारी आगे कट हमारा कितना है 6 इंच का। अब हम इसको 6 इंच पे ऐसे लगा के निशान इतना इतना छोड़ देंगे, बाकी हम कट कर देंगे। ये देखिए ये हमने कट कर दिया है, जो हमारा ऐसे इस टाइप का आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा हमारा है यहां से आपको दिख रहा होगा, ये हम ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे और जो हमारी पट्टी ऐसे स्ट्रेट आएगी, देखिए ये ऐसे पट्टी आ जाएगी हमारी ऊपर, देख रही है आपको क्लियर, ये देखिए ठीक है। अब हम इसको हम लगाना सिखाते हैं आपको, आइए ये देखिए। यहां से हम स्टार्ट करेंगे पहले, ये देखिए यहां से गले से ये जो पट्टी थी हमारी वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करनी है ये बताती है, हमने ऐसे जो अंदर फोल्ड किया था हमने हिस्से ये दोनों, वो हम यहां से अंदर ऐसे एक एक पैर गिरी, ज्यादा अंदर मार्जिन लेके नहीं करना आपको, ये हमने ऐसे लेके सिलाई करनी है। आपको यहां से दोनों साइड से अंदर लेकर यहां से ऐसे हमें स्टिच करना है। आइए हम स्टिच का भी आपको बताते हैं कैसे करना है। कट पे हम पहुंचने वाले हैं, ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको ये कट हमारा। अब इसको हमने यहां तक हमने स्टिच करना है, कपड़े को अंदर ही रखना, यहां से ध्यान से ये हमारा स्टिच हो गया। अब इसको हम निकाल देते हैं, ये देखिए हमने यहाँ तक स्टिच कर दिया था पूरा पट्टी, दिख रहा है आपको। अब हमने लगानी है ऊपर इसके, इसको हम अब यहाँ पे जोड़ने से पहले हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं ताकि इस पे लगाते हुए आपको कोई दिक्कत ना आए। ये लगाएंगे हम, ये भी इसी तरीके से लगानी है जैसे हमने अंदर दोनों को जोड़ के लगाया था, इसको भी हमने इसी तरीके से ही लगानी है। ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है, ये देखिए दिख रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर देते हैं। अब इसको आप अंदर फोल्ड करते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ये
इसको हमने अंदर जो हमारा एक्स्ट्रा था ना, जो हमारा इसका जो हमने बाहर निकाल रखा था, फालतू रखा था, जो हमने मार्जिन के लिए रखा था, उसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे, नीचे की साइड निकाल देंगे। यानी कि सीधा कर देंगे उसको। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से, अभी हमारा बिल्कुल सीधा आ रहा है, पट्टे के ऊपर पट्टी आ रही है, ये देखिए। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। ये हम इसको ऐसे करके, ये देखिए सेंटर आ रहा है हमारा। ये दिखा था पूरा यहाँ पे सेंटर, हमने जो निशान लगाया था यहाँ पे क्रीच की आ गई थी हमारी। ये इसको जरा नुकीली चीज हो जाए आपके पास, उसके थ्रू आप कपड़े को अंदर कर सकते हैं। अब आपको एक और चीज मैं बताती हूँ, हमने जो हमने 7 इंच की पट्टी ली थी, ये देखिए हमारी यहाँ तक खत्म हो रही थी, हमने 6 इंच पे ये कटिंग ली थी हमने, तो यहाँ पे पट्टी लगा दी, और ये हमने ऊपर का लिया था 7 इंच। इसको हमने ऐसे नापना है, ये देखिए 7 इंच आ रहा है, ये 6 इंच पे, ये हमारी 1 इंच की हमारी पट्टी आएगा, यहाँ पे हमारा बॉक्स बन जाएगा 1 इंच पे। बॉक्स कैसे बनेगा आपको मैं वो भी बताती हूँ कैसे। ये हमने ऐसे रखा, ऐसे किया, अब इसको हम ऐसे स्टिच करते हैं यहां से, यहां से ऐसे हमने किया, ये अब हम इसको ऐसे तिरछा यहां पे लाइन डालेंगे। ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा हमारा, ये देखिए ये हमारा लगभग गलत तैयार हो चुका है। अब आपको इस पे एक और चीज करनी है, यहां पे जो हमारी कोने पे पट्टी थी, इस पे कोने पे आपको स्टिच करना है। यहां से आपको स्टिच करना सिखाते हो कैसे लगेगी आपकी स्टिचिंग। ये देखिए पीछे से आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए पूरा आपका मार्जिन जो था हमारा बंद हो चुका है। ये देखिए पीछे से आपको दिखा देते हैं। अब हम इसको जो हमने अंदर ली थी पट्टी जो और ऊपर लगाई थी, उसको हम ऊपर कर देंगे। यहां से आपको हमने सीधा कोने पर सिलाई मारनी है जहां से हमारा बॉक्स स्टार्ट हुआ था। ये देखिए आपको गला दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आई है गले में भी। ये देखिए ये आपका, अब यहाँ पे हम आए आप लगाएंगे पट्टी। उससे पहले हम तिरछा अपना शोल्डर जो हमारी कटिंग हुई होती है उसको जोड़ेंगे, बैक और फ्रंट को हम जोड़ लेते हैं पहले। ये हमारा बैक हिस्सा हो गया आपका, और ये हमारा फ्रंट था, उसको भी हम उल्टा साइड ले लेते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से आपको शोल्डर से जोड़नी है। आपको मैं दिखा रही थी यहां से भी, यहां से आपको इधर से ऐसे मारनी है, फिर इधर से इधर, ठीक है।
एक्स्ट्रा धागे जो आपको मैं वो कटिंग कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा शोल्डर जुड़ चुके हैं, अब हम इसकी पट्टी लगाएंगे। पट्टी कैसे लगाएंगे आपको मैं वो बताती हूँ। पहले ये हमने देखिए सेंटर पॉइंट ले लिया, हमने सेंटर पॉइंट ले लिया। अब हम इसको यहाँ पे आधा इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे निशान लगा के हल्की सी इसको कट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक शोल्डर तक। आपको दिख रहा है यहां से ऐसे कट कर देंगे। अब इसके हम पट्टी की जो हमने यहां पे पट्टी लगानी है उसकी हम पट्टी काटते हैं। वो आपको आपको तिरछी पट्टी में कटिंग करनी है, सिंपल तरीके से बताती हूँ वो कैसे करनी है आपको। ये देखिए हमारे पास ये कपड़ा है, आप इसको आप तो ऐसे डबल ले लीजिए। मेरा दिख रहा होगा ये देखिए ये हमारा तिरछा हो जाता है रेब में जिसको बोलते हैं रेब कटिंग। ये देखिए अब हम इसको ऐसे से कट कर लेंगे, पहले यहां से ऐसे कट कर लेंगे। हमने कटिंग कर ली है, ये हमें डबल ही रखनी है। यहां से हम कट कर लेते बराबर कर ले रहे हैं हम पहले। आइए कुछ बताते हैं इसको जोड़ना कैसे है। ये हमने सीधी साइड पे फोल्ड कर लिया है पट्टी को। देखिए ये हमारा बैक था, ये फ्रंट हमने कर लिया और ये फ्रंट हिस्सा है हमारा। ये हमने गले से स्टार्ट कर लेनी है। ये देखिए आपको गला दिख रहा है यहां से, ये इस तरीके से रखनी है आपको। ये गला है हमारा और ये इधर को ऐसे रखनी है ताकि ये फोल्ड होके इधर चले जाए। एक्स्ट्रा रखना है आपको थोड़ा सा, जो हमारी पट्टी होगी उससे एक्स्ट्रा रखना है ये कपड़ा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर ज़रूर करें प्लीज़ दोस्तों हमारे, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस इस तरीके लेकर आ सकें। गोलाई में आपको मोड़ते हुए लेकर जानी है उसकी। खींचने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये रेप में होती है तो वो अपने आप ही खींच पड़ जाती है।
ये कटिंग हो गई हमारी, स्टिच कर दिया हमने पूरा गला आपका, ये देखिए। ये देखिए गला हमने तैयार कर दिया था। ये हम इसको हम कैसे जोड़ते हैं अंदर, ये यहाँ से हमने अंदर फोल्ड करना है और ये अंदर की साइड हमने ऐसे तुरपाई कर लेनी है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पूरे पे हमने ऐसे तुरपाई कर लेनी है ऐसे। ये फिर आपका ऐसे गला तैयार आ जाएगा। ये देखिए ये अंदर की साइड फोल्ड करके, ठीक है दोस्तों, क्लियर आपको दिख रहा है, ये ऐसे आपका फोल्ड हो जाएगा। ये नेक हमारा तैयार हो चुका है। अब हम करते हैं बाजू कैसे जोड़नी है आपको बताते हैं। ये सेंटर पॉइंट हमारा ये है, शोल्डर की सिलाई आपको दिख रही है, ये देखिए, और ये हमारी बाजू, बाजू की कटिंग हमारी हुई पड़ी थी पहले ही। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है ये बाजू का, इस पर हम कट लगा लेते हैं ताकि आपको इजी रहे, छोटा सा कट लगाना आसान तरीका आपको मैं बताऊंगी जिससे हम बाजू इजीली जोड़ सके। ये जो हमारा कट दिख रहा है ये देखिए आपको क्लियर दिखाती हूँ, ये जो क्लियर कट दिख रहा है हमारा, वो हमारा सेंटर पॉइंट पे हमने रखना है। ये देखिए हमारा सेंटर पॉइंट ये है, ये हम इस तरीके से ऐसे जोड़ते ऐसे सिलाई लेकर आएंगे। ये सीधा साइड हमारा अंदर है, ये भी इसका भी सीधा साइड है, राइट सीधा साइड अंदर होना चाहिए, और हमने ऐसे सिलाई मारेंगे। एक सिलाई अपने यहां से मारनी है, फिर एक सिलाई इधर से मारनी है। चलिए एक साइड पे हमने ये मार दी थी सिलाई, अब हम इसी की ऐसे यहाँ पे सिलाई मारते हैं आदि। इसको बिल्कुल खींच कर नहीं लगाना, ना बाजू को खींच कर लगाना है। ये आप देख रहे हैं पूरा बराबर आया है। ये हमारी एक बाजू ऐसे जुड़ गई है। हमने पहली बाजू हमने जोड़ ली थी, ये दूसरी बाजू भी हमने उसी तरीके से दोस्तों जोड़ ली है। ये दूसरी भी हमने कंप्लीट हो गई, हमारी बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए आप मेरी बाजू और इधर,
अब हम इनकी आगे का जो होता है एक्स्ट्रा हमने जो मार्जिन लिया होता मोड़ने के लिए वो हम फोल्ड कर देते हैं पहले दोनों साइड का। हमने 4 इंच रखा था, हमें 4 इंच के लिए हमने फोल्ड करना है। इसको आप ऐसे सीधा लाइन डाल के जल्दी फोल्ड होएगी। फोल्ड कर लेना, दूसरी इसी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं हम 4 इंच। ये बाजू हमारी हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है, दोनों साइड फोल्ड करती है हमने। अब इसको हम उल्टा साइड कर लेते हैं सिलाई मारने के लिए, जो हमारी फिटिंग की सिलाई जो होती है। वो हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है तो वो बताते हैं। तो हमने बाजू से स्टार्ट करनी है, यहां से इधर से हमने स्टार्ट करते हुए ऐसे लेकर आएंगे, हम यहां से स्टिच करेंगे यहां से। पहले हम बाजू पे निशान लगा लेते हैं, हमारी 4 इंच पे हमने मोरी पे लगाना था, ये हमने 4 इंच पे लगाई। दोनों साइड हम लगा लेते हैं ऐसे ही। चार इंच पे निशान लगा, अच्छा 14 इंच हमारी ये चीज थी, चौड़ाई थी, हार्मोन से जो हमने चेस्ट हमने नापी थी वो थी हमारी 14 इंच थी। ये निशान लगाते हैं ऐसे। ये यहाँ से हम ऐसे निशान लगाएंगे गोलाई में। यहाँ से इतना पहले आप नाप लीजिए, 10.5 इंच था हमारा नीचे, यहाँ पे कट स्टार्ट होना है, ऐसे यहाँ पे आप निशान लगा लीजिए 10.5 इंच पे। ये हमारा कितना था, 14 इंच पे, तो ये भी निशान लगा लीजिए। ये हमारा मार्क हुआ पड़ा है लेकिन हल्का होगा था तो हमने उसके ऊपर दोबारा हम कर रहे थे। कमर से आपका आएगा 13.5 इंच के करीब, ये देखिए। हम इसको हम स्केल हो तो स्केल से सीधा निशान लगा लीजिए, बेशक आप
कि आप इंच टेप से भी ऐसे आप निशान लगा लीजिए। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं पूरा, यहाँ से स्टार्ट करते हुए नीचे लेके जाएंगे। एक साइड की हमारी सिलाई हो गई है, अब इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी हमने स्टिच कर लेना है ऐसी। ये हमारी फिटिंग की सिलाई तो लग चुकी है, अब हमने इसको इसका साइड के जो पार्ट होते हैं यानी कि चौक जो होते हैं वो फोल्ड करने हैं। आप इसका मार्जिन हमने काफी अच्छा रखा हुआ था तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, कम कर दीजिए बेशक जितना आप मार्जिन कट कर सकते हैं। दोनों साइड आप कट कर लीजिए, फालतू होगा तो उसमें मोड़ने में आपको बहुत दिक्कत होगी फिर। जितना हमने यहाँ रखा था हमने 14 इंच, दोनों साइड से हमने 14 इंच रखा था, उतना ही हमने नीचे से 14 इंच रखना है। ये 14 इंच का हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पे भी, ये हमारा 14 इंच पे हम निशान लगाते हैं। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए। यहां से ऐसे आप दूसरे साइड के भी आ गए, ऐसे इस पर लाइन डाल दीजिए, हाथों से ऐसे दबा देंगे तो लाइन सी आ जाती है एक, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी सिलाई मारने में भी आपको। ये इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे सिलाई दबा के, ये देखिए दबा दी हमने, ये अपनी सिलाई आपको दिख रही होगी यहाँ पे, सिलाई हमने दबा दी है। ये स्टिच बिल्कुल सीधी सिलाई नीचे ले आई आप। इसी तरीके से दूसरा चौक भी मोड़ लेना, कट कर ले। इसी तरीके से सेम चौक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चौक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम नीचे नीचे का जो हमने फोल्ड करना था वो फोल्ड कर देते हैं। हमने इसका 1-1 इंच के करीब हमने फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है आपको, ये 1/2 इंच हमने यहाँ फोल्ड किया, आधा इंच हमने ये फोल्ड किया, यानी कि डबल फोल्ड हमारा आ गया। ये यहां से आप कुर्तों पे नीचे दोस्तों याद रखिएगा चौड़ा मार्जिन कभी ना दें, मुलुक अच्छी नहीं आती। जो हमने वहां पे मोड़ा था सेम हमने ऐसे यहाँ पे मोड़ के,
ऐसे ही सेम हमने उसके दूसरे साइड पर भी मोड़ लेना है हाफ इंच यहाँ और हाफ इंच यहाँ। देखो चौक से आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बराबर आएगा ये और ये, देख रहे हैं आप। दोस्तों हमारी वीडियो जरूर आपको लंबी जरूर लग रही होगी लेकिन आपको क्लियर साफ सुथरा बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हमने ये फोल्ड कर दिया, ये हमने इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर दिया जैसे हमने उस साइड फोल्ड किया था कोने पे, अब इस कोने पे भी हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ये हमारे हो चुकी है एक्स्ट्रा जो हमारी कटिंग होती है बीच की, ये कमर पे जो हमारी आ जाती है उनको आप कट जरूर लगाएं ताकि शेप अच्छी आए पे। इस तरीके से छोटे छोटे कट जरूर लगा दें। कुर्ता हमारा लगभग तैयार हो चुका है, हम इसके बाद आपको पजामे की भी कटिंग जो हमने कर रखी थी उस पर भी हम आपको सिलना सिखाते हैं। ये देखिए मैं आपको सीधा करके भी दिखाती हूँ। देखते हैं आप बाजू कितनी अच्छी लग रही है। देखिए ये देखिए आप पूरा नीचे तक आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी शेप लग रही है। पूरा बराबर है ये देखिए। आइए हम आपको इसकी पजामे की भी सिलाई सिखाते हैं। ये रहा हमारा पजामे की कटिंग जो हुई पड़ी थी, अब इसको हम स्टिच करते हैं। पहले हम इसको आसन निकाल लेते हैं। ये देखिए ऐसे खोल लिए, ये दो तय हो गई हमारी, ये दोनों हमारे आसन है। इसको आपने इस तरीके से रखना है ऐसे ताकि आप ये दोनों आसन, एक इधर आसन आ जाए एक इधर आसन। ये देखिए आपको मेरी उंगली दिख रही होगी, यहाँ पे एक आसन आ गया, एक इस साइड आसन। अब हम इस पे यहां से स्टिच करते हुए यहां से गुलाई लेकर जाएंगे। ये हमने एक साइड पर भी लगा दिया था, दूसरी साइड पर भी हम ऐसे लगा देते हैं निशान। इस पे हमने जो ऊपर हमने लास्टिक के लिए छोड़ा था 2 इंच का, यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। पता लग जाएगा कि आपने यहीं तक सिलाई मारनी है। एक साइड पे आपने फुल लेंथ पे मार देनी है सिलाई और एक साइड पे आपको इतने सिलाई 2 इंच जो हमने छोड़ा था लास्टिक में वो छोड़कर मारनी है। कैसे छोड़नी है आपको मैं वो भी बताऊंगी, किस तरीके से छोड़नी है आपको मैं वो भी बताऊंगी। यहाँ तक हमने सिलाई मार दी थी जो बताया था आपको निशान पे, इसको हम वापिस थोड़ा सा लेके जाएंगे। पूरा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतने पे मार के इतना हमने छोड़ दिया।
अब हम ये खोल लेते हैं, ये हमारे दोनों आसन जुड़ गए हैं। ये देखिए दोनों आसन हमारे जुड़ चुके हैं। अब हम इसको लास्टिक के लिए हम जगह बनाते हैं, डालेंगे कहाँ से। ये देखिए दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज दोस्तों, और घंटा जरूर बजाएं प्लीज। कट कर लिया, ये अब हमने इसको ऐसे से फोल्ड कर लेना है। हमारी कन्नी थी तो इसलिए हमने ज्यादा फोल्ड करने की ऐसे मोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। जिनकी कन्नी नहीं होती है तो उनको ऐसे फोल्ड करके आपको करना पड़ता है। आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, चाहे ऐसे करिए, वो आपकी मर्जी है। आप सीधा कर दीजिए, ये हमारा एक्स्ट्रा ये आ गया हमारा इधर। ये देखिए इधर हमारा 2 इंच हमने छोड़ा था, वो 2 इंच हमारा नीचे आ गया। ये ऐसे स्टिच हो जाएगा यहां से। आप अगर आपको तब भी कंफ्यूजन होती हो तो बीच में आप बेशक ऐसे आप नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका 2 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो प्लीज कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें आपको कोई चीज अगर आपको ऐसी लगी हो कि नहीं पसंद समझ आई तो प्लीज पूछे जरूर कमेंट करके। हमारा ये दूसरा जोड़ शुरू होने वाला है, इस पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 इंच पे पूरा। इसको बंद करने के लिए आपको इसके ऊपर हल्का सा जो पहले वाला था उस पर हल्का सा डबल सिलाई मार दीजिए। ये हमारी प्लास्टिक का हमारा नेफा जिसको बोलते हैं हम, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने नीचे की पे जो हमारी मोहरी वाली थी साइड की वो फोल्ड करनी है। ये देखिए हमारा यहाँ पे निशान भी लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने फोल्ड कर लेना है, यहाँ से ऐसा।
इसी तरीके अब दूसरा में भी मैसी फोल्ड कर लीजिए। हमारे दोनों पोंचेस के मोरी तैयार हो चुकी है। अब हमने आसन और इसकी मोरी की फाइनल जो सिलाई होती है हमारी इसके पजामे की वो मार लेंगे। ये जो हमारी यहाँ मोरी से लेकर इस आसन तक जाएगी और दूसरे पैर पे भी ऐसी जाएगी। हम पहले इसको नापते हैं। मोरी हमारी 5 इंच की थी, इसको आप ऐसे हल्का सा गुलाई दे दीजिए यहाँ से ऐसे। बस ये ध्यान रखिए आपकी सीधी ना आके गुलाई में जाए आपकी। हमारा आसन कितना था आपको बताया था हमने, आसन था यहाँ पे 9 इंच। निशान लगा लेंगे, ये हमारा ये ऐसे निशान आ जाएगा, ये इधर यहाँ से स्टिच कर देंगे। इतनी सिलाई मारने के बाद आप इसको निकाल देंगे यहां से। वो आपको हम इसलिए बता रहे हैं कह रहे हैं निकालने के लिए कि जो आप यहां से स्टिच करके लाएंगे वो यहां से आपकी डबल होनी चाहिए ताकि बैठने उठने से बच्चे के यहां से फट ना जाए। यहां से इतना नहीं बच्चे का फटता जितना यहां से फटता है। डबल सिलाई होने से बच्चा का जैसे मर्जी उठे बैठे फटेगा नहीं। सेम हम यहाँ पे भी ऐसे नाप ले लेते हैं, 5 इंच की थी हमारी। ऐसे स्टिच कर देना आपको भी यहां से। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे हमने जो सिलाई की थी यहाँ तक हमारी खत्म हो गई थी। ये हमने इसे दोबारा गुलाई दे दी यहाँ तक। हमारा पजामा भी अब रेडी हो चुका है। आप इस पर हल्के हल्के यहाँ पे हमने कट डाले हैं ताकि मोड़ने पे दिक्कत ना हो। हमारा पजामा रेडी हो चुका है बिल्कुल, सिर्फ इसमें प्लास्टिक रह गया है।
प्लीज दोस्तों ये स्टाइल आप घर पे जरूर करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया, प्लीज बताइएगा और लाइक करना जरूर करिएगा प्लीज दोस्तों। थैंक यू।